मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कॉयल पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ता हूँ बच्चों। सबसे पहले मैं सर्कुलर कॉयल्स ऑफ डिफरेंट टर्न्स आर मेड बाय अ कांस्टेंट लेंथ करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर है और इससे मैंने डिफरेंट टर्न्स के अलग अलग सर्कुलर कॉयल्स बनाई है। फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉयल फॉर इट्स मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। मुझे चाहिए मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट और इसके लिए मुझे कितने नंबर ऑफ टर्न्स रखने होंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे प्रोसीड करना है जरा देखिए बच्चों। किसी भी सर्कुलर कॉयल के लिए, कोई भी सर्कुलर कॉयल जो मैं लेता हूँ, उसके लिए मुझे अगर मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए हो तो बताइए मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है। INA, M is equals to INA, I करंट होती है, N नंबर ऑफ टर्न्स होता है और A क्या होता है, एरिया होता है। अगर आपको M मैक्सिमम चाहिए और करंट आप सबके अंदर बराबर बहा रहे हो तो N into एरिया ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। M is proportional to NA और जो एरिया होता है, अगर मैं इसकी रेडियस को R लेता हूँ कोयल की और I करंट बहाता हूँ तो जो एरिया है वो मैं क्या लिखूँगा, पाई आर स्क्वायर। पाई भी क्या है, कांस्टेंट, तो एम इज प्रोपोर्शनल टू हो गया एन आर स्क्वायर। तो अब मेरा जो काम है वो ये है कि मैं एन और आर में सही रिलेशन निकाल लूँ तो मुझे एम मिल जाएगा, आर के एन के साथ रिलेशन। इसको निकालने के लिए मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है बच्चों वो है लेंथ कंजर्वेशन। मैं क्या लगाने जा रहा हूँ, लेंथ कंजर्वेशन लगाने जा रहा हूँ। भाई हम क्या कर रहे हैं, इस कांस्टेंट लेंथ के वायर से अलग अलग नंबर ऑफ टर्न्स के लूप बना रहे हैं। मान लीजिए मैंने n इज इक्वल टू 1 का लूप बनाया, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स 2 वाला लूप बनाऊंगा तो वायर की लेंथ तो मेरे पास में कांस्टेंट ही है, तो ऑब्वियसली दो टर्न बनाऊंगा तो रेडियस क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और अगर तीन टर्न्स बनाऊंगा तो रेडियस और छोटी हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा रेडियस कम होती जाएगी। लेंथ कंजर्वेशन लगाऊं तो यहां पर l इज इक्वल टू कितना हो गया, 2πr। यहां पे 2πr और 2πr कितनी बार आ गया, दो बार आ गया, 2πr into 2 और यहां पर आ गया 3 बार। हर बार जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जा रहे हैं बच्चों रेडियस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं n लिखता हूं तो l इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 2πr into n। अब मेरे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। अब देखो लेंथ तो मेरी फाइनाइट है, ओके, ये तो कभी चेंज हो नहीं रही है। 2 कांस्टेंट है, हर कांस्टेंट पे मैं गोला लगा रहा हूं बच्चों। पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, तो n इंटू आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ r इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे उतनी रेडियस कम होती जाएगी। अब इसी रिलेशन को मैंने यहाँ पर यूज़ किया, m इज प्रोपोर्शनल टू एन आर स्क्वायर तो था ही, अब मैंने क्या किया, ये तो n है, r इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, तो इसको 1/n स्क्वायर लिख दिया, n से n कट गया, तो m इज प्रोपोर्शनल टू 1/nr, ये मेरे पास रिलेशन आया। इससे मुझे पता चला कि अगर मेरे को m मैक्सिमम चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होने चाहिए, मिनिमम। फाइनाइट लेंथ के वायर्स में जितने भी टर्न्स बनाऊंगा सबसे छोटा n किसके लिए मिलेगा मुझे, जब n इज इक्वल टू कितना होगा, 1, ओके। तो जब नंबर ऑफ टर्न्स 1 होगा तो m क्या मिलेगा मुझे, मैक्सिमम मिलेगा, ओके। तो मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों, n इज इक्वल टू 1 हो गया। अगर आप चाहते हो कि फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल फॉर इट्स मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, तो जब आप नंबर ऑफ टर्न 1 रखोगे तो आपको m मैक्सिमम मिलेगा, इसमें मैक्सिमम है। नंबर ऑफ टर्न्स 2 करोगे तो कम हो जाएगा, 3 करोगे तो और कम हो जाएगा, m इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, डबल करोगे नंबर ऑफ टर्न्स डबल तो m आधा हो जाएगा, 3 गुना करोगे तो 1/3 हो जाएगा, ओके। इस रिजल्ट को आप लोग बिल्कुल डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, एग्जाम में आपका टाइम भी सेव करेगा। फाइनाइट लेंथ के वायर से डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स के आप ये लूप बनाते हो तो m इज प्रोपोर्शनल टू n होता है।